లక్ష్మిలో ఉన్నా పత్నికి हेलो एवरीवन, मैं प्रीति, प्रीति मेकअप से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपना एनिवर्सरी ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। बस थोड़ा सा ट्रेलर आपको दिखा रही हूँ। अभी बहुत सारा डांस और पूरा बर्थडे केक अच्छे से कट करना बाकी है, तो वो लास्ट में, मतलब कि जैसे जैसे स्टेप हुआ है, सारी स्टेप बाई स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मटर पनीर बन रही थी, थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया, और इसके बाद ये चावल बन रहा है। तो सोनम ने मेरे से कहा कि एक बार थोड़ा सा चेक कर लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो पूरा खाना सोनम, पूनम, अवधेश, संतोष सभी लोग मिल के बनाए हैं, बट सबसे ज़्यादा मेहनत सोनम ने की है, और इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो बस इतना ही आपको दिखा पाई हूँ मैं। और यहाँ पे बैलून सजाए जा रहे थे, मैंने इन्हें मना किया, बट इन्होंने कहा चलो सजवा देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, बट मेरी कोई मर्जी नहीं थी। अभी मैं आपको दिखा दूँगी कैसा हुआ डेकोरेशन। बाल बन रहे हैं क्या? और ये हैं भाभी यानी जिठानी, आप इनसे तो मिल ही चुके हैं। तो ये मन्नी का बाल बांध रही थी, मतलब हेयर चोटी बना रही थी। और अभी चलिए मैं आपको मधु से मिला देती हूँ, जो इनके मतलब कि बहन की लड़की है। तो ये है मधु, और ये भी आई हुई हैं, इनकी भी जल्दी शादी होने वाली। और ये है अवधेश, यानी कि धनिया वगैरह डाल रहे थे सब्जी में। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा जाला लगा हुआ था, तो ये बोल रहे हैं इसको निकाल दो। और डेकोरेशन वैसे मेरी मर्ज़ी नहीं थी कि बैलून्स वगैरह लगाएं, क्योंकि बच्चों में अच्छा लगता, हमारे में नहीं। मेरी तो कोई मर्ज़ी नहीं थी, बट इन्होंने ज़बरदस्ती किया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये बगल में जो उनके दोस्त है संदीप, और आप देख सकते हैं बैलून्स कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे बैलून्स इसी तरह के बहुत ही प्यारे लगते हैं। डेकोरेशन में तो ढेर सारे मूर्ति हों तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बाबू अभी रेडी नहीं हुई है, बाबू पापा के साथ अपनी खेल रही है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब हमें रेडी होना बाकी है। तो सभी लोग रेडी हो रहे हैं, मैं भी हो जाती हूँ इसके बाद। तो बस ये देखिए, सोनम भी रेडी हो चुकी, यानी कि मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है, मतलब कि मैं सबसे छोटी हूँ तो उसके ऊपर वाली। और ये है बाबू, बाबू को ली हुई है, बाबू को मैंने अपने मैचिंग का ड्रेस पहनाया है। एक किसी ने मेरे से कमेंट भी किया था, और आप और बाबू सेम ड्रेस पहनिए, तो अधिकतर मैं वैसी ड्रेस पहनाती हूँ और पहनती हूँ बाबू को। तो बाबू ने भी रेड फ्रॉक पहनी थी, और मैं भी रेड गाउन ही पहनी हूँ। अंकिता लो, हाँ उधर। तो ये देखिए इस तरीके से डेकोरेशन हुआ है। अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी। हाय कर लो, हाय बाय, हाय बाय। अभी हाय नहीं हुआ, बाय पहले करने लगे। अच्छा, आके यंग कितना लोग आई है ना। हाँ, ये क्या पहन रही? वो मेरी पागल बनी है, बुलाओ उसको। ए, क्या तुम पागल? तुम्हारे बड़ा है बाबू, अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो सामने बैठे हुए हैं, इनके दोस्त के भाई हैं। और जो बगल में ब्लू कलर के स्वेटर पहने, वो मेरे देवर, जैसा कि मैंने बताया कि मौसी या सास की लड़की हैं, जो हमारे साथ ही रहते थे, इस टाइम नहीं रह रहे हैं। तो इनकी भी मैरिड ही होने वाली है। और ये लोग बैठे थे, सब लोग बात कर रहे थे आपस में। और ये है आंटी जी, या मतलब इनकी बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही खास मम्मी। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा बचपन के दोस्त हैं। और जो बेबी था वो था अंकिता का, भी मैं दिखाऊंगी। ये है अंकिता, यानी इनके दोस्त की वाइफ। तो
और ये जो सारे लोग हैं ये इनके दोस्त हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये देखिए। और ये है रिहान और ये है सीमा, यानी कि मेरी फ्रेंड, बहुत ही पुरानी फ्रेंड, बहुत ही बचपन की फ्रेंड है, तो हाय कर रहे हैं। और ये है इनके फ्रेंड, तो दोनों लोग हाय कर रहे हैं। मैं डांस करने के लिए बोल रही थी, वो सोसी के लिए डांस कर रहे बैठ कर। इन दोनों ने डांस नहीं किया, बाकी सभी डांस किया, तो तबीयत ठीक नहीं थी इसकी वजह से नहीं किया। और ये मतलब जहाँ हम रहते हैं बगल में पिल्लू भैया है, उनका नाम मुझे नहीं पता क्लियर, बट यही बोलते तो मैं वही बता दे रही हूँ। और ये है वर्षा, जिससे आप मिल चुकी हैं, यानी कि भाभी की लड़की, तो वो यहाँ पे डांस कर रही है, तो कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मुझे गाना हटाना पड़ा। जैसे कि आपको पता है कि गाना हम नहीं डाल सकते, जिसकी वजह से कॉपीराइट आ जाएगा। बहुत सारा डांस हुआ था, सबने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, तो थोड़ा ही थोड़ा करके मैं सबका ऐड कर दे रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। और ये क्यूट सी बेबी, जैसा मैंने आपको बताया, अंकिता की है, कितनी क्यूट लग रही है ना। और ये मन्नी है, मन्नी को तो आप जानते हैं, मेरी दीदी की लड़की। और इन लोगों का डांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, माइंड ब्लोइंग था। तो रिकॉर्डिंग मैं अधिकतर नहीं किया, आप देख रहे हैं कि मैं वहाँ साइड में हूँ, तो मैं बस इधर उधर में ही बिजी थी गाने लगाने में, क्योंकि वहाँ पे सॉन्ग नहीं मिल रहा था यार। आजकल ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया है, तो प्रॉब्लम ये थी कि ऑनलाइन यानी कि डाटा, किसी का नेट वहाँ पर चल ही नहीं रहा था, हमारे तरफ थोड़ा सा नेट स्लो चलता है, तो बस गाना नहीं मिल रहा था, सॉन्ग नहीं मिल रहा था पसंद का कि कोई बंदा या बंदी कर सके। और ये है रिमझिम, जो बड़ी वाली है वर्षा की बहन, ये दोनों डांस कर रही हैं अभी, तो बहुत ही अच्छा दोनों डांस करती हैं। अगर गाने के साथ होता तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता, बट यही है कि हम गाना नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाना भी तो ज़रूरी था। और बस जैसा मैंने आपको बताया कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने इसे इतने शॉर्ट में बनाया है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको कट करने में। और ये जो बाहर गेट के पास खड़े एंट्री की, ये इनके पुराने दोस्त हैं, यानी कि तीन लोग जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, अभी दिखा देती हूँ। ये है मनीष और ये है अंकित, यानी कि तीनों बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे एक टाइम में, अभी भी हैं। और ये इनकी मम्मी, मतलब कि सबसे ज़्यादा जिसके क्लोज हैं ये फ्रेंड के, तो ये हैं आंटी जी, यानी कि मतलब मेरी सासू माँ लगे एक तरफ से। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब दोस्तों में क्लोज है अपनी मम्मी के, तो ये इन्हीं के क्लोज हैं, इन्हीं से ज़्यादा मतलब बात करते हैं, हंसी मजाक सब कुछ, और एक फैमिली की तरह रहते हैं। आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा ना। और इनमें से सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन लग रहे हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे इन्होंने मुझसे बोला कि आप भी आ जाइए, फ़ोटो खींच लीजिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी ऐड करने लगी थी। और ये आंटी जी, जैसे बताया मैंने, बहुत ही ज़्यादा इनकी खास है, बार बार बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक हो रही थी, थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग भी ऐड कर ली, और सभी लोग बैठे थे, सॉन्ग ढूंढ रहे थे, और इसके बाद केक कटने की तैयारी थी, थोड़ा सा डांस वांस हो ही जाए और इसके बाद, तो वो सारी चीज़ें होती। और इनके पीछे जो बैठे वो हैं अजय, इनके दोस्त अभी के हैं, हाल ही के साल, दो तीन साल ऐसे, मेरी शादी के टाइम पर थोड़ा सा पहले से। तो यहाँ पर मैं डांस कर रही हूँ, तो मैं सोची कि मैं अपने साथ जो मैं डांस कर रही हूँ, तो मैं खुद ही गाना गा लेती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए गाइस, तो थोड़ी सी वॉइस मेरी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए गाना स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे पकड़ना पड़ेगा ना कि कौन सा चल रहा है, कौन सा मतलब इस समय ट्यून चल रही है, गाने का टॉपिक चल रहा है। तो पहनी तेरे नाम की राधा हो गई श्याम की, पहनी तेरे नाम की राधा हो गई श्याम की, ऐसी लगन लगी है अब ना फिक्र किसी अंजाम की। ओय होय 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 होय, पहनी तेरे नाम की राधा हो गई श्याम की, पहनी तेरे नाम की राधा हो गई श्याम की, ऐसी लगन लगी है अपना फिक्र किसी अंजाम की। ओय होय 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 होय, पहनी तेरे नाम की राधा हो गई शाम की, दिल तो
एक दर्पण है, दर्पण 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 में तू ही है, साजन 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 मेरी सांसों में तू, मेरी नींदों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा गाना 2-3 मिनट का ऐड कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। तो इससे ज़्यादा मैं 2-1 मिनट से ज़्यादा नहीं डाल सकती थी गाना, कॉपीराइट आ सकता है। तो यहाँ पे मैं, मेरी सिस्टर डांस कर रहे हैं, तेरी आँखों का काजल थोड़ा सा ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि ये भी कॉपीराइट की वजह से, जस्ट बस इसी वजह से नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यार। तो हम लोग यहाँ पे तेरी आँखों का ये काजल मुझे करे है गोरी घायल, तू शहद शहद पाँव धर ले, ऐसी कुछ है। मतलब मुझे क्लियर गाना नहीं आ पाता, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। वो वाला मेरा फेवरेट था, तो उसको मुझे आता था थोड़ा बहुत, तो मैंने बना दिया था यानी गा दिया था। तो दोनों लोग डांस कर रहे हैं और पीछे मन्नी है, बाबू है, और इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि और लोगों को डांस करने के लिए उठाते हैं। बहुत लोगों को बोल रहे थे बट शुरुआत किसी ने नहीं की, तो हमने ही स्टार्ट कर दिया। हम और मेरी दी हैं एक, उन्होंने हिमा दी यानी कि जो ये आ रहे हैं इनकी बहन सिस्टर, इनकी सिस्टर। और इसके बाद ये जो डांस हो रहा, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए थे। मेरे देवर भी हैं जो डांस कर रहे हैं, और ये हैं भैया। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि ये जो भैया हैं पीछे, उनका मुझे नाम नहीं पता, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। जो नाम घर में लेते तो वो नहीं अच्छा लगा मुझे, इसलिए नहीं ले रही हूँ। तो ये जो डांस कर रहे हैं भैया पीछे लंबे वाले, तो जब हम घर पर आए तो इन्होंने बताया कि ये कहीं पर भी डांस नहीं किए, कहीं पर भी आज तक, ये मतलब कितने बड़े हो गए यहाँ पर थे और इन्होंने इनका डांस नहीं देखा। तब जब इनको पता चला तो इन्होंने कहा दिखाओ भैया डांस किए, हमने कहा हाँ। तो ये हैरान हो गए, बोलने लगे कि इतने दिन हो गए और मैंने इनका डांस नहीं देखा। मतलब कि सबने खूब इंजॉय किया, और ये भैया जिन्होंने कहीं डांस नहीं किया हमारे यहाँ किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो इनको अपना जैसा घर लगा, अपनी जैसी फीलिंग आई होगी, तभी इन्होंने डांस किया। तो मुझे भी खुशी हुई, और ये देखिए फुल इन्जॉय कर रहे हैं, कितने अच्छे से इन्जॉय किया उन्होंने, डांस किया सभी लोग। पहले तो लोग सब शर्मा रहे थे, हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, और उसके बाद जब हमने और मेरी दी ने, हिमा दी ने स्टार्ट किया ना, उसके बाद तो सब लोग चालू ही हो गए। और ये रिमजी मैं, ये लोग भी पहले नहीं मेरे साथ में साथ दे रही थी, बट होता ना एक लोग अगर चालू होते तो सब शुरू हो जाते। और भैया ने भी बहुत इन्जॉय किया, और ये है रवि, रवि ने भी खूब सारा डांस किया। भाभी की कमर में प्रॉब्लम है जैसा मैंने आपको कई बार बताया, इस वजह से वो डांस नहीं की थी। बहुत मैंने कहा तो मतलब कि डांस नहीं थी, खड़ी होकर ऊपर से 2 हाथ हिला दी थी बस, तो मतलब मेरी रिक्वेस्ट थी इसी वजह से। और ये रहा हमारा केक, तो केक शायद 3 पाउंड का केक था, और प्रीति जी तो उन्होंने लिखा था, मैंने कहा बाबू का नाम क्यों नहीं लिखवाया। तो केक बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, ये लेकर आए थे अपनी पसंद से, तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत केक है ना। चलिए अब आप लोग इन्जॉय करिए, देखिए केक कैसे कट हुआ है। अरे बड़ी वीडियो खिला दे, छोटी वीडियो को खिला दे, ले देखो उसको, वो थोड़ा पका के खिला दे। अरे केक खिला दो भाई, प्रीति प्रीति अच्छे से खिलाना, नहीं अच्छे से अच्छे से अच्छे से, देर से आया प्रीति देर से। गंदा सुंदा आदत लगा, वो भी लगा दो, भाई थैंक यू। आ गया अभी, आ गया मम्मी, आ तुम भी चले जाओ, जा 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 दीदी भाभी आ रही, भाभी खिलाओ।
अच्छे से मैंने तुमको खींच लो अब अभी चलो ये अपने निकाल के खा रहे गाइस आप लोगों ने व्लॉग देखा, आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो ये मेरी एनिवर्सरी का व्लॉग था जो अभी तक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। कुछ इसका रीज़न था जिसकी वजह से मैं नहीं शेयर कर पाई थी, तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यानी कि मुझे वीडियो का एंड करना था बट मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया वीडियो का एंड करने में। यानी कि आज या तो वीडियो जाएगी या तो कल जाएगी, तो व्लॉग का एंड और ये मेरा व्लॉग काफ़ी दिन का हो गया है तो मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ, बट कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो बस मुझे ब्लॉग का एंड करना था और कुछ बातें भी आज आप लोगों से करनी थी, तो मैंने कहा चलो साथ ही साथ ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ अपनी एनिवर्सरी ब्लॉग का। फिर ज़्यादा सबने एंजॉय किया, मस्ती की और बहुत ही अच्छा हमारा दिन उस दिन का काफ़ी अच्छा बीता था। और पहला ऐसा ब्लॉग था, मतलब पहली ऐसी चीज़ें थी जिसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, वरना चाहे यहाँ थी मैं हमेशा, बाबू का बर्थडे था, मेरी एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी हमने यहीं पर मनाई थी, तो उसमें भी सारा खाना मुझे बनाना पड़ा था, बाबू के बर्थडे में भी जैसा आपने देखा। बट ये वाली एनिवर्सरी घर पर हमने की तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया रेस्ट करने का, तो वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये बातें मैं बाद में आप लोगों से करूँगी सारी चीज़ें। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, आपने जैसा कि टाइटल पढ़कर देख ही लिया होगा, समझ में आ गया होगा कि हाँ चैनल बंद हो गया, तो ये रियल बात है गाइस कि चैनल बंद हो चुका है। और मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि एक चैनल हम लोगों को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, मेहनत के साथ साथ अपने चैनल पर व्यूज़ लाना, इतनी जल्दी वीडियो आजकल वायरल नहीं हो पा रही है क्योंकि इतने ज़्यादा यूट्यूबर हो गए और धीरे धीरे सबको पता चला कि आप खुद से अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो, अपनी चीजें रख सकते हो, जो आपको आता है वो दिखा सकते हो। इस तरीके से यूट्यूब पर इतने ज्यादा लोग हो गए हैं, इतने ज्यादा लोग हो गए कि हमारी वीडियो आने में बहुत ज्यादा लेट हो जाता, बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। और इसलिए हमें एक चैनल जब क्रिएट कर लेते हैं, 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाते हैं, 4000 घंटे हो जाते हैं, और उसके बाद जब आपका मोनोटाइज भी हो जाता है, एडसेंस वगैरह सारी चीज़ें हो जाती है, आपका डॉलर भी हो जाता है, 100 डॉलर के बाद पैसे आता है, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है। यानी कि मोनोटाइजेशन, यानी कि यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गए, 6000 लगभग सब्सक्राइबर होने वाले थे, प्लस वॉच टाइम भी पूरा हो गया था। सेकंड चीज़ एडसेंस वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी थी और उनका पैसा भी आने वाला था, यानी कि उनका 10000 इस हफ्ते, मुझे बताना नहीं चाहिए था बट बता रही, उनका 10000 मतलब कि उनकी यूट्यूब से सैलरी भी आने वाली थी, 10000 के ऊपर भी हो सकती थी, उनका 13 तारीख तक 10000 के ऊपर भी हो सकता था। और ऐसा कुछ हुआ कि उनका पूरा चैनल, यानी कि उनका पूरा करियर ख़राब हो गया, यानी कि चैनल ही बंद हो गया। तो यहाँ पे जब मैंने ये चीज़ें सुनी कि स्ट्राइक लग चुकी है, और उन्होंने एक गलती नहीं, 3-3 गलती कर दी, एक स्ट्राइक लगी, 2 स्ट्राइक लगी, लापरवाही होती है, 3 स्ट्राइक लगी, और 3 स्ट्राइक के बाद मुझे ये कभी कभी सुनने में आया था कि आपका चैनल 3 महीने के तक बंद हो जाता, फिर आपको वापस मिल जाता है। अब पता चल रहा है कि 3 महीने के बाद आपका चैनल आपको नहीं मिलेगा, आपका चैनल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यार जिसने अपना चैनल बनाया है, जितने इतनी मेहनत की है, अगर उसको ये पता चले, ये था कि 3 महीने फिर भी इंसान सब्र कर लेता है कि चलो व्यूज़ हमारे ख़राब हो जाएंगे, सब्सक्राइबर ख़राब हो जाएंगे, हम फिर से उस पर मेहनत कर लेंगे तो कुछ गुंजाइश होगी। लेकिन अगर आपको कोई ये बता दे कि आपका चैनल ही बंद हो गया, अब आप उस पर वीडियो नहीं शेयर कर सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा? यही गलती पूनम ब्लॉग ने की है, उन्होंने कुछ वीडियो डाल दी थी जिसपे उनको 3 स्ट्राइक लग चुके, 3 स्ट्राइक के बाद उनका चैनल बंद हो गया है 3 महीने तक का। उन्होंने पहले बोला टाइम है, बट अब पता चल रहा है कि वो चैनल बंद हो चुका है, तो यार उनको कितना बड़ा सदमा। मैं जब मैं सुनी तो मुझे कितना, ये सुने तो इनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी उस टाइम में कि यार ऐसा क्यों करी। और मुझे भी उस टाइम में ये लगा यार कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, अभी कितनी मेहनत कर रहे हैं, अभी हमें कितनी मेहनत करनी बाकी, मतलब अब
पूरी चीज़ें उनको फिर से शुरू करनी पड़ेंगी, तो एक गलती की वजह से पूरा चैनल बंद हो गया। तो प्लीज़ आप कुछ ऐसी गलती मत कीजिएगा, और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों को सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिन्होंने इतने सब्सक्राइबर इकट्ठा किए, जिन्होंने इतनी मेहनत की, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ उनको सपोर्ट कर दीजिए। और पहले उनका नाम था पूनम ब्लॉग से, और अब वो बिग बॉस करके अपना चैनल क्रिएट किए हैं, क्योंकि वो न्यूज़ ही शेयर करती हैं, तो बिग बॉस के नाम से उनका चैनल है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, और वीडियो भी मैं एक अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको थोड़ा सा हिम्मत मिल सके और वो फिर से अपना चैनल क्रिएट कर सके, अच्छे से बना सके, सारी चीज़ें कर सके। और आप देखना चाहते हो तो पूनम ब्लॉग जाके देख लीजिएगा, पूनम ब्लॉग उनका चैनल था जिसपे वो अपना मतलब वीडियो बनाती थी। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे, जो एक दूसरे को सब्सक्राइब किए हैं वो जानते होंगे, बट ये नहीं पता होगा कि उनका चैनल बंद हो चुका है। तो हाँ डियर, उनका चैनल बंद हो चुका है, तो उनको आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ हेल्प करिए एक दूसरे को प्लीज़ हेल्प करिए। अगर आज आप उनको सपोर्ट करेंगे, कभी ना कभी वो आपके काम आ सकती है, वो आपको भी सपोर्ट कर सकती हैं किसी ना किसी चीज़ में, तो बट अभी उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इस समय उन पर क्या बीत रही होगी। अगर आप उनको सपोर्ट करोगे तो उनमें हिम्मत आएगी, वो आगे फिर से अपना चैनल ग्रो कर सकेंगी, कोशिश कर सकेंगी, वरना फिर आप तो जानते हो, अगर एक बार इस तरह से हो जाता तो इंसान टूट जाता है, तो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो आगे जा सकती हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लिंक मैं दे दूँगी, प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करिएगा, फुल सपोर्ट करिएगा। तो बस मुझे आप लोगों से यही कहना था, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइस, यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी। मैंने भी उनको सब्सक्राइब किया अभी जाके, तो आप भी उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय बाय। अगर आप लोग एक यूट्यूबर हो, अच्छे यूट्यूबर हो, आप लोगों के अंदर इंसानियत है, तो आप उनको ज़रूर मदद करो। आज बोलूँगी, ये नहीं बोलूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बस यही आज मैं आप लोगों से बोलूँगी, तो ठीक है, मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। ओके बाय बाय। और हाँ, लास्ट में यही बोलूँगी कि सपोर्ट सपोर्ट बिग बॉस, सपोर्ट बिग बॉस के नाम से उन्होंने चैनल बनाया है, और मैं कम्युनिटी में उनकी वीडियो डाल दूँगी, आप जाके वहाँ से उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय बाय।